भाईजान भी बताइएगा कैसी गाकी चल रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है? हाँ, आप मेरे ख्याल से पिछले 5-10 मिनट में इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, 15 मिनट से ज्यादा। आपने मेरे कस्टमर देखा है मेरी शॉप पे? कोई कोई कस्टमर नहीं आया है। बॉस कैसे आएगा जब इतने शायद 5-10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में आया सुबह से तो गाकी हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी तो अल्लाह ताला दे देता है। मैं आपको एक बात कहूँ, मेरी तकरीबन 30 साल उम्र है, मैंने अपनी लाइफ में यही बात कर रहा था कि ऐसी 14 अगस्त नहीं देखी है जो कल मैंने देख लिया। क्योंकि 14 अगस्त में क्या बात थी? बहुत सा आवाम जैसे अपने आप को अप्रिशिएट करती है अपने मुल्क के लिए, निकलती है आजादी के लिए, वो चीज निकली नहीं है वाम को। इतना कम महंगाई से इन्होंने कल, वैसे माल रोड से मैं खुद भी गुजरा था, पहिया जाम था, लोग तो बहुत ज्यादा रश था। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए या आधा घंटा घंटे के लिए, वो भी लोग अपना एक एंटरटेनमेंट करने आए थे, वो भी उनको देखा उन्होंने कि पेट्रोल इतना महंगा है, दोबारा घर जाने के लिए बचेगा नहीं, इसलिए वो भी निकल गए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई है, मैं यही बात कर रहा था भाई से कि मैंने ये देखा कि एक चीज़ जो 10 रुपये की थी ना, वो आज 120 रुपये की है। 10 की चीज़ 120 की है, इस तरह से तो आपकी भी चीज़ें महंगी हुई। जाहरी बात है, ये मैं 100 से 100 की देता था, आज 200 की है। ये देखो इसकी प्राइस, ये 200 की बिकती है, 100 की। चलिए 100 रुपये तो आपने भी बढ़ा ही दिया है। हमने नहीं बढ़ाया, हमारी बजट कम हो गई है, अब कस्टमर को फायदा हो रहा है हमें। कस्टमर को कैसे फायदा हो गया भाई? अगर मैं ये चीज 100 की खरीदता था तो 200 की खरीदने से मुझे क्या फायदा हो? मेरी बात सुनो, जब मुझे 100 की आती थी ना, जब मैं बेचता था मुझे 50 रुपये बचते थे, अब मैं 200 की बेच रहा हूँ मुझे 15 रुपये बच रहे हैं, 85 रुपये की बढ़ रही है। गाहक का फायदा कैसे हुआ ये समझाओ। गाहक का फायदा हो गया, उसको तो 200 की मिल रही है, 100 की मुझे मिली थी, मुझे 200 की लेके क्या फायदा हुआ ये समझाओ ना। ये हमारा बजट कम हो गया ना, कस्टमर का बजट वही हो गया, उसको उसने तो लेनी है। नहीं, अगर एक शख्स दिहाड़ी लगाता है 10,000 की 20,000 की या वो महाना 50,000 कमाता है तो उसके खर्चे में से तो इसी तरह से चीज़ें चलेंगी, वो भी उसी तरह से सर्वाइव कर रहा है। खैर, आप क्या समझते हैं निगरान हुकूमत आई है तो उससे कोई फ़ायदा होगा? कोई इलेक्शन वक्त पे होते नज़र आते हैं, कोई जमहूरी हुकूमत बेहतरी की तरफ लाएगी मुल्क को? उम्मीद है मुझे, ये भाई तो हमारे जो वज़ीर आज़म नए आए हैं निगरानुल हक काकड़, हाँ जी, उनका नाम मुश्किल है, मेरे मुँह पर नहीं चल रहा है, मुझे उनकी फेस से लग रहा है कि इंशाल्लाह मुल्क के लिए वो बेहतर करेंगे और इलेक्शन टाइम से करवाएंगे, मुझे लग रहा है। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। दूसरी बात ये है कि यार हम शुक्र करना भूल गए हैं, बस अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते, बस एक ही निर्माण पे है, उसने मार दिया, इसने मार दिया, अल्लाह का शुक्र नहीं करते बस। मार्केट में हमने काफ़ी लोगों से बात की, किसी भी शख्स ने शुक्र का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, इन भाईजान ने शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काफ़ी लोग तो नाउमीदी की बात है। बिल्कुल यही है ना, ना शुक्र है ना, उसने उसके ऊपर डाल दिया, उसने उसके ऊपर डाल दिया, जिसने देना है उसका शुक्र करना भूल गए हैं बस। वो अल्लाह से उम्मीद लगाए फिर भी बैठे हैं कि शायद कोई मसीहा आ जाए जो उनके लिए कोई बेहतरी करे। यार दुआ तो हमने करके अल्लाह से मसीहा लेना ना, ठीक है, अगर हम ही दुआ नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे ये है, ये आ गया, ये नवाज शरीफ आ गया, ये आ गया, ये फलाना, अल्लाह ताला से ये हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करें, अल्लाह अल्लाह तौबा करें, दुआ करें तो फिर बेहतरी है। शायद वो एक हजारों में से एक जाने की दुआ कबूल हो जाती है, और किसी टाइम भी ये मेरे बॉस कहते होते हैं कि हमेशा खैर की दुआ मांगनी चाहिए, किसी टाइम भी कबूलियत हो जाती है। आपने ना अपनी गुफ्तगू में बार बार कोई 10 दफा उनका जिक्र किया, आपके बॉस से भी बात करेंगे, और ये इनके वालिद साहब है। अच्छा, इनके वालिद साहब, बच्चे आपको बड़ा वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप महंगाई के मुतालिक क्या सोचते हैं, आने वाली हुकूमतों के मतलब क्या सोचते हैं, इस निगरान सेटअप के मतलब क्या कहेंगे? जो देखा है पिछले 20, हमारी भी 20 साल उम्र है, 20-30 साल में तो हमने कुछ भी नहीं देखा, गवर्नमेंट तो वही आई है, सिलेक्टिव हुकूमत है, फ़ायदा नहीं, हुकूमत क्या कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, आपको क्या लगता है? मुझे तो फिलहाल ये जानना है कि आपको क्या लगता है, आपका कारोबार कैसे चले? वही हम तो अल्लाह का शुक्र है चला रहे हैं, जैसे भाई ने कहा अल्लाह का शुक्र है 10 हम कमा रहे हैं, 10 कस्टमर का बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि जब तक फेयर इलेक्शन नहीं ना करवाएंगे कोई फायदा नहीं।